जय हिंद साथियों, मैं अभिराज और अभी आप सब देखना प्रारंभ कर चुके हैं इस वक्त अभिराज 24 न्यूज़ चैनल के माध्यम से। सो दोस्तों, मैं इस वक्त झंझारपुर लौखा रेलखंड की सबसे बड़ी खबर आप सबको बताने जा रहा हूँ और दिखाने जा रहा हूँ। तो आप सब सबसे पहले चैनल पर नए हैं तो अगर चैनल को बराबर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करने का प्रयास कीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स भी कीजिए और एक प्यारा से कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। और कहाँ से वीडियो को देख रहे हैं, कहाँ से वॉच कर रहे हैं, उस जगह का भी नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। जो कि दोस्तों आप सबको मेरे चैनल के माध्यम से पिछले वीडियो में भी पता चला होगा कि इस रूट में जो है सो बहुत जल्द ट्रेन चालू होने जा रहा है। और मैं अभी फ़िलहाल इस वक्त चंदेश्वर स्थान में आ चुका हूं, जो कि देख सकते हैं चंदेश्वर स्थान का ये नज़ारा व्यू किस प्रकार से है। और मैं इस वक्त वेटिंग हॉल में जाने वाला हूं, जो कि देख सकते हैं वेटिंग हॉल यहाँ का कुछ इस प्रकार से बनाया गया है। ये वेटिंग रूम हो गया, जिसे वेटिंग हॉल भी बोल सकते हैं, यानी कि प्रतीक्षालय। और यहाँ का टिकट काउंटर किस प्रकार से बनाया गया है मैं आप सबको दिखा दूँ। सामने में देख सकते हैं ये टिकट काउंटर हो गया, जिसमें टिकट मास्टर बैठ के जो है सो टिकट काटेंगे। और बाहर का व्यू मैं आप सबको दिखाऊंगा, जो कि देख सकते हैं बाहर में अभी फ़िलहाल तैयारी नहीं हुआ है, जो कि कुछ कुछ कामें अभी बाकी है बाहर में भी करना, जो कि फर्श सबको नीचे में ढाला जाएगा। अभी जो है सो मिट्टी ही मिट्टी लगा हुआ है और बरसात का मौसम आ चुका है तो थोड़ा बहुत पानी भी लग जाता है इस साइड में, तो इसको जो है सो थोड़ा ऊंचा किया जाएगा मिट्टी की भरपाई करके। और चलिए मैं आप सबको अब नीचे चल के दिखाता हूँ, जो कि कुछ दिनों से जो है सो इस रूट में ये खबर आ रही है निकल कर जो है सो इस रूट में ट्रेन चालू होने जा रहा है। तो बहुत सच में ये बात सही है कि बहुत जल्द ट्रेन चालू होगा, लेकिन इसी माह के लास्ट टू लास्ट जो है सो ट्रेन चालू होगा। और ट्रेन का जो समय सारणी है आप सब स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, क्योंकि ये देख सकते हैं ये कुछ इस प्रकार से समय सारणी। लौकहा बाजार से ट्रेन जो है सो 9 बजे खुलेगी और जो है सो झंझारपुर जंक्शन पर जो है सो देख सकते हैं 10:30 में पहुंच जाएगी। तो ये 1.5 घंटा का फासला है इस बीच में, जो कि झंझारपुर बाज़ार 10:14 में पहुंचेगा, इसके बाद महड़ैल स्टेशन 10:05 में, और चंदेश्वर स्थान 9:53 में, और इसके बाद जो है वाचस्पति नगर है 9:36 में पहुंच जाएगा। ये हालांकि ये सुबह का टाइम है और जो है सो ये देख सकते हैं बरहारा हॉल्ट 9:25 में पहुँचेगा, और सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉल्ट पर जा जो है सो 9:20 में ट्रेन पहुँचेगा, और खटौना स्टेशन 9:12 में पहुँचेगा। इसके बाद लास्ट तो लौकहा ही है, लौकहा से खुलेगा और 10:30 में झंझारपुर, और झंझारपुर से अगर खुलता है तो लौकहा भी 1.5 घंटे के अंदर में जो है सो पहुँच जाएगा दोस्तों। तो ये 2 जोड़ी ट्रेन को इस रूट में जो है सो बहाली किया जा रहा है, 2 जोड़ी ट्रेन जो है सो इस रूट में चलेगा, एक सुबह का टाइम रहेगा एक शाम का टाइम रहेगा। और इस रूट के सांसद जो हो रामप्रीत मंडल जी हैं, उसके द्वारा जो है सो इस रूट में जो भी त्रुटि है, हालांकि झंझारपुर से लेके और जो है सो लौकहा तक ट्रेन जो चलेगी और लौकहा से लेकर जो है सो झंझारपुर तक चलेगी, तो इसी बीच में जो है सो ट्रेन चल के रहेगी, हालांकि दरभंगा तक नहीं जाएगी। लौकहा से दरभंगा तक लोगों को जाने में जो है सो असुविधा होगा, वहाँ से दूसरा ट्रेन लेना पड़ेगा। तो ये जो है सो समस्या एक प्रकार से बहुत ही विचार का समस्या है और बहुत ही जो है सो आश्चर्य और सोचने वाला समस्या है। तो इसके विषय में जो है सो रामप्रीत मंडल जी जो कि सांसद हैं झंझारपुर के, तो वो डिसाइड कर रहे हैं कि यहाँ से लेकर जो है सो दरभंगा तक के लिए ट्रेन दिया जाए। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सबको जानकारी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।